हाय फ्रेंड्स, मैं आर के यादव रे ऑफ सक्सेस कोचिंग सहरसा इस्लामिया चौक से आज फिर आप लोगों के बीच फिजिक्स में आगे का टॉपिक लेकर के आया हूं, जो बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जामिनेशन, बिहार आईटीआई इंट्रेंस एग्जामिनेशन, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एवं बिहार पुलिस के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक टॉपिक है। हम उन्हीं सभी टॉपिक पर बात करते हैं ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिजिक्स में बात कर रहे हैं लाइट में, और लाइट में बहुत क्लास हमारा आगे निकल गया है। जिसको भी हमारा क्लास छूट गया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक आज का रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में, तो ध्यान दिया जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। हिंदी में इसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो सबसे पहला बात कि ये क्या है, इसकी डिफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का परिभाषा आप कैसे देंगे? आपको याद भी नहीं रहता है, डिफिनेशन ढेर सारा रटने के लिए है, तो आप लोग कितना याद करें। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम लोग जो इसका टेक्निक होता है परिभाषा को रखने के लिए उस पर बात करें। तो स्नेल का नियम, पिछले क्लास में हम बताए थे कि म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन आई बटे साइन आर। ध्यान दीजिए, म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन आई बटे साइन आर। म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। ध्यान से सुनिए आप, ये स्नेल का नियम है। ये किसका नियम है? स्नेल का नियम। ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी है। ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, ये स्नेल का नियम है। दूसरी बात कि एक और फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल भी बराबर जो होता है ये होता है सी बटा म्यू। ध्यान से देखिए इसको, ये फॉर्मूला पिछले क्लास में इस पर हम लोग बात कर चुके हैं कि भी बराबर जो होता है ये होता है सी बटा म्यू। किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम का अपवर्तनांक। एक ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूला को याद रखने से न्यूमेरिकल भी आपका बनेगा। अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला से ही डेफिनेशन कैसे निकाला जाता है। तो यहां से अगर हम म्यू लिखे तो म्यू बराबर हम लोग सी बटे भी कह सकते हैं कि म्यू बराबर हमारा फॉर्मूला सी बटे भी निकल गया, और म्यू बराबर हमारा फॉर्मूला साइन आई बटे साइन आर निकल गया। ये दो फॉर्मूला आपके सामने है, ये दो फॉर्मूला आपके सामने है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी फॉर्मूला पर डेफिनेशन देने का प्रयास करते हैं। यहां पर किसी दो माध्यम के लिए, ध्यान से सुनिए, किसी दो माध्यम के लिए, माध्यम जब भी होगा, चूंकि यहाँ आई और आर है, आई और आर है मतलब आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है, तो यहाँ पर माध्यम दो को होगा। तो किसी दो माध्यम के लिए नहीं, आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण का जया का जो अनुपात होता है उसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अब सवाल है कि आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण का जया, ध्यान से सुनिए, किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण के जया के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश आ रहा है तो इसको मान लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण मान लिया जाए कि प्रकाश की किरण जो है यह आपको हवा से कांच में जा रहा है। ध्यान से देखिए, प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रहा है? हवा से कांच में। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण हवा से कांच में जा रहा है, कांच कहां जा रहा है? हवा से कांच में। तो यहां पर हवा के लिए आपतन कोण का जया, कांच के लिए अपवर्तन कोण का जया,
का जो अनुपात होगा उसको हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ध्यान से फिर से सुनिए, प्रकाश की किरण हवा से कांच में जा रही है, प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है? हवा से कांच में। तो हवा में आपतन कोण आई का जया और कांच में अपवर्तन कोण आर का जया का जो अनुपात होगा उसको हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला के आधार पर डिफिनेशन। अब चलिए हम लोग दूसरे फॉर्मूला में चलते हैं, दूसरा फॉर्मूला हमारा है कि म्यू बराबर सी बटे वी। ध्यान दीजिए, म्यू बराबर हमारा एक फॉर्मूला निकल गया सी बटे वी, जो पिछले क्लास में इस पर हम लोग चर्चा किए हुए थे, जहां पर सी जो है ये निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल और वी जो है ये दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो यहां से इसको हम लोग कहेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, बिकॉज सी जो है ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और भी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवेन मीडियम। तो हम लोग कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। फिर से सुना जाए इसको, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश के चाल को निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। चूंकि प्रकाश की चाल दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के चाल का ये अनुपात है, ध्यान दीजिए एक एक चीज को कि ये निर्वात में प्रकाश की चाल, अगर इसका मात्रक हम देखें तो ये होगा मीटर प्रति सेकंड एसआई पद्धति में, और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल इसका भी मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, दोनों का यूनिट कट जाएगा। दैट मीन्स हम लोग कहेंगे इट हैज नो एनी यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये दो समान राशि का अनुपात है। ये क्या है? दो समान राशि का अनुपात। तीसरी बात कि हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है ये दिए गए सभी माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल महत्तम होती है, और हवा में या पानी में या किसी भी और माध्यम में, बेंजीन में, फिनॉल में, अल्कोहल में, किसी भी माध्यम में अगर प्रकाश की चाल हम लोग निकालेंगे तो वो निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होगा। मतलब इसका अंश जो है वो हर से बड़ा है। इसका मतलब म्यू का मान क्या होगा? इसका मतलब म्यू जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगा। म्यू का मान हमेशा एक से बड़ा ही होगा। क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल अन्य सभी दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग देखे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक इट हैज नो एनी यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, एंड म्यू इज ग्रेटर देन वन, और म्यू अपवर्तनांक जो है ये हमेशा एक से, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है ये हमेशा एक से बड़ा होता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल दिए गए सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल से अधिक होती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में अपवर्तनांक में भी आगे का जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक में दिए गए माध्यम में जैसे हम लोग प्रकाश की चाल का बात करें तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, और वो डिपेंड करता है उस माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, उस माध्यम के अपवर्तनांक पर। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो ध्यान दीजिए, जब दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात लेते हैं तो उसको सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर म्यू वन है, अब बटे कर देते हैं
म्यू टू, म्यू वन बटे म्यू टू। इसको हम लोग क्या समझेंगे, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ दूसरे सेकेंड माध्यम के सापेक्ष, सेकेंड माध्यम के सापेक्ष, सेकेंड माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान दिया जाए इस पर, पहले माध्यम का अपवर्तनांक जो नीचे में है उसके सापेक्ष जो ऊपर में है उसका अपवर्तनांक, जो नीचे में है उसके सापेक्ष और जो ऊपर में है उसका अपवर्तनांक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू टू और वन, म्यू टू और वन मतलब हुआ दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसको हम लोग कहेंगे म्यू वन बटे म्यू टू। इसको हम लोग क्या कहेंगे, म्यू वन बटे म्यू टू। ध्यान दीजिए, म्यू टू वन बराबर ये हो गया म्यू वन बटे म्यू टू। इसको हम लोग कहेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर ये जो इस टाइप का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग कहते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। इसको क्या कहते हैं, आपेक्षिक या सापेक्षिक, आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या है, दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात है। ये क्या है, दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को, दो माध्यम के ये म्यू वन और म्यू टू जो है ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग कहते हैं सापेक्षिक या आपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, सापेक्षिक या आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ये सापेक्षिक या आपेक्षिक अपवर्तनांक जो है, ध्यान से देखा जाए इसको, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं म्यू ए और यहाँ लिखते हैं डब्ल्यू, इसका मतलब हुआ हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिए, इसका मतलब हुआ हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिए इस पर, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष म्यू ए जो पीछे में है, जो पीछे में है उसके सापेक्ष जो आगे में है उसका अपवर्तनांक। इसका मतलब है कि यहाँ पर म्यू ए डब्ल्यू है तो इसको हम लोग म्यू डब्ल्यू बटे म्यू ए लिखेंगे, म्यू डब्ल्यू बटे क्या लिखेंगे, म्यू ए। इसको क्या लिखेंगे, म्यू डब्ल्यू बटे म्यू ए, म्यू डब्ल्यू बटे म्यू ए। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा और अगर चेंजिंग करें तो हम इसको लिख सकते हैं एक बटे क्या लिखेंगे, म्यू ए बटे म्यू डब्ल्यू, एक बटे म्यू ए बटे म्यू डब्ल्यू। मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप देखिए तो म्यू ए डब्ल्यू बराबर हम लोग एक बटे म्यू डब्ल्यू ए लिख सकते हैं। मतलब हुआ कि यदि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक बराबर एक बटा पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, एक बटा पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, दोनों को गुणा कर दीजिए गुणनफल एक हो जाता है, दोनों को गुणा कीजिए तो गुणनफल इसका एक हो जाता है। मतलब इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग दूसरे वर्ड में इसको समझें तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग म्यू वन टू लिखते हैं तो ये हुआ म्यू टू बटे म्यू वन, ये क्या हुआ म्यू टू बटे म्यू वन, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये इसको हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ते हैं। लेकिन म्यू बराबर हमारा फॉर्मूला होता है सी बटे भी, म्यू बराबर क्या होता है सी बटे भी, तो म्यू वन बराबर सी बटे भी वन लिखेंगे, म्यू वन बराबर सी बटे भी वन लिखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस पर मान दे दें तो म्यू टू बराबर क्या हो जाएगा सी बटे भी टू, और म्यू वन बराबर होगा सी बटे भी वन, सी से सी कट जाएगा तो ये म्यू वन टू बराबर ऊपर ये भी वन ऊपर चला जाएगा तो ये भी वन बटे भी टू हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। ध्यान दीजिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू वन टू है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर एक बटे म्यू टू वन, मतलब एक बटे
दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, एक बटे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो ध्यान दीजिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर एक बटे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर आपको क्वेश्चन आता है कि यदि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। ध्यान दीजिए, यदि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, जैसे हम लोग को पता है कि पानी का अपवर्तनांक 4/3 होता है, लेकिन वो किसके सापेक्ष है, तो हवा के सापेक्ष। ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन कैसा रहता है, क्वेश्चन रहेगा कि यदि हवा के सापेक्ष पानी का हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक आपको दे देगा 4/3 है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या है, 4/3। तो पानी के सापेक्ष हवा का क्या होगा, तो पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक म्यू जो है ये क्या होगा, पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या होगा। तो डायरेक्ट इसको उलट दीजिए, यहाँ हवा के सापेक्ष पानी का दिया है, मतलब म्यू ए डब्लू दिया है आपको 4/3, और कह रहा है कि म्यू डब्लू ए का मान क्या होगा, तो म्यू डब्लू ए जो होगा इसको लिखेंगे हम लोग, म्यू डब्लू ए बराबर 1/μAW। तो ये हो जाएगा 1/μAW का मान आपको 4/3 है, ये उलट के हो जाएगा 3/4। यही हो गया आपका आंसर, पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप बी में इस बार पूछा गया था, आईटीआई और पॉलिटेक्निक में भी पूछा जा सकता है। केवल आपको एक लाइन ध्यान में रखना है कि क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, फॉर्मूला को आप याद रखें, ध्यान दीजिए। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, अपवर्तनांक जो है वास्तव में ये डिपेंड किस पर करता है। यहाँ पर जब हम शुरू में डिफिनेशन इसका बोले, तो यहाँ पर हम डिफिनेशन में एक लाइन बोले थे कि ध्यान दीजिए, म्यू बराबर हम बोले थे कि sin i/sin r, मतलब आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण के जया के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ से आपको लगता है कि आपतन कोण पर निर्भर करेगा, लेकिन वास्तविक बात ये नहीं है, अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह पदार्थ के प्रकृति और आपतित प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक जो है म्यू जो है ये आई पर डिपेंड नहीं करता है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि केवल आई नहीं है या साइन आई है, केवल आई नहीं है बल्कि फॉर्मूला में साइन आई है, तो म्यू आई पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह करता किस पर निर्भर है, बल्कि यह पदार्थ के प्रकृति एवं आपतित प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, रंग पर निर्भर करता है। इस बात को आप याद रखें कि अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, यह पदार्थ के प्रकृति और आपतित प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपवर्तनांक में जो क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए, बेसिक क्वेश्चन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर आधारित है, ऐसा क्वेश्चन हम आपके बीच लेने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल आपको दिया हुआ है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर एक माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल 2 लाख, ये 2 लाख हुआ किलोमीटर में बदलिए तो इतना मीटर प्रति सेकेंड है, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर में कहेंगे तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कहेंगे, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। म्यू बराबर डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, क्या C/V
बी सी का मान आपको याद रखना पड़ेगा 3 × 10^8 निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, बटे करेंगे 2 × 10^8 10^8 से 10^8 कट गया, ये हो गया 1.5 अर्थात उस माध्यम का वर्तमान निकल गया 1.5। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिए केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता है, केवल आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इस सब टॉपिक पर क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं रहता। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं आपके बीच, ध्यान दीजिए एक और क्वेश्चन है हमारा कि यदि ध्यान दिया जाए यदि हवा के सापेक्ष, ध्यान से देखिए हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है एवं हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है नहीं है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है यदि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है एवं हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, यही है हमारा क्वेश्चन। ध्यान से देखिए हवा के सापेक्ष है तो म्यू लिखेंगे, हवा के सापेक्ष ए और डब्ल्यू ये आपको दिया हुआ है 4/3। चलिए दूसरा डाटा म्यू ए और ग्लास जी ये आपको दिया हुआ है 3/2 3/2 और आपको मांग रहा है पानी के सापेक्ष कांच, यहां पकड़िए इसको पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो पानी के सापेक्ष का मतलब हुआ म्यू डब्ल्यू, वाटर के सापेक्ष जी, इसका मान क्या होगा यही आपको मांग रहा है। तो चलिए यहां पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन को लेकर के, म्यू डब्ल्यू ए मांग डब्ल्यू जी मांग रहा है, यहां देखिए म्यू डब्ल्यू और जी ये क्या होगा, इसको लिखेंगे म्यू जी अब बटन म्यू डब्ल्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू जी बटन म्यू डब्ल्यू और ऊपर नीचे दोनों में म्यू ए से भागा दे दीजिए या नहीं तो म्यू जी बटन जो म्यू डब्ल्यू है ये ऑलरेडी आपको हवा के सापेक्ष ग्लास का और ये हवा के सापेक्ष वाटर का निकल गया, हवा के सापेक्ष ग्लास और हवा के सापेक्ष वाटर, तो हवा के सापेक्ष ग्लास का जो हुआ ये आपको 3/2 है और हवा के सापेक्ष वाटर जो है ये 4/3 है, यहाँ से मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा 3/2 अब बटे कीजिए 4/3 ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 9/8 हो जाएगा। और क्वेश्चन भी उल्टा के देखिए, पॉलिटेक्निक में भी पूछा हुआ है और रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा तरीका एकदम सिंपल है, ध्यान दीजिए इसका दूसरा तरीका भी हम आपके सामने रखते हैं जो आपको समझ में आए उससे डायरेक्ट आप कीजिए। जब हम लोग कैलकुलस पढ़े थे इंटर में तो ध्यान दीजिए हम लोग लिखते हैं dy/dx, इसका मतलब होता है x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन मतलब जो नीचे में है उसके सापेक्ष और जो ऊपर में है उसका अवकलन। यहाँ पर हमको निकालना है पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, यहाँ पर क्या निकालना है पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक मतलब हमको फाइंड करना है म्यू डब्ल्यू जी, इसका मतलब जिसके सापेक्ष है उसको नीचे करेंगे और जिसका निकालना है उसको ऊपर, तो इसका मतलब हुआ कि म्यू जी अब बटे म्यू डब्ल्यू, डायरेक्ट हम मान यहां पर रख दे पानी का अपवर्तनांक नीचे में रख दे और ग्लास का अपवर्तनांक ऊपर में रख दे तब भी ये डाटा हमारा 9/8 ही आएगा, आप करके इसको देख ले, मतलब जिसके सापेक्ष का रहा उसको आप नीचे कीजिए और ये ग्लास का है तो ग्लास को आप ऊपर कीजिए, इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपवर्तनांक का एक और भी फॉर्मूला होता है गहराई के टर्म में वास्तविक और आवासी गहराई के अनुपात को भी हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, ध्यान दीजिए अपवर्तनांक म्यू जो होता है ये गहराई के टर्म में होता है एक फॉर्मूला कि अपवर्तनांक म्यू बराबर वास्तविक गहराई और बटे में करते हैं आभासी गहराई,
वास्तविक गहराई बटे आवासी गहराई, वास्तविक और आवासी गहराई के अनुपात को भी अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान दीजिए, वास्तविक और आवासी गहराई के अनुपात को भी क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो वास्तविक और आवासी, ये क्या होता है कि जब मछुआरा मछली मारने जाता है, आप लोग जब कभी नदी में साफ पानी में मछली पकड़ने का कोशिश कीजिए, तो जब पकड़ने का कोशिश करते हैं तो हमको जहाँ अनुभव होता है वहाँ पर हाथ रखते हैं, लेकिन पता चलता है कि मछली पकड़ाया नहीं, भाग गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मछली एक्चुअल में जिस पोजीशन में था वहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ वो प्रतीत हुआ, आगे बढ़ा हुआ प्रतीत हुआ। आप मान लीजिए कि मछली यहाँ था, आपको अनुभव यहाँ हुआ, आप जैसे यहाँ हाथ रखे मछली को पानी का दमक लगा और वो भाग गया, आपको पकड़ में वो नहीं आया। तो वास्तविक गहराई और आवासी गहराई के अनुपात को भी हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। वास्तविक गहराई और आवासी गहराई के अनुपात को भी हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। इस पर हम अगले क्लास में न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, लेकिन अपवर्तनांक का एक और भी फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये अवतल, मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की वास्तविक वक्रता त्रिज्या जो है ये मान लिया जाए कि आर है, वास्तविक वक्रता त्रिज्या जो है ये आर है, और कोई लिक्विड है, मान लीजिए कि आपके पास कोई तरल पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक आपको निकालना है, जिसका अपवर्तनांक आपको निकालना है, तो अवतल दर्पण की वास्तविक वक्रता त्रिज्या जो है ये क्या है? आर। आर क्या है? वास्तविक वक्रता त्रिज्या। आर क्या है? वास्तविक वक्रता त्रिज्या। आर है वास्तविक वक्रता त्रिज्या। लेकिन जब जिस लिक्विड का आपको अपवर्तनांक निकालना है वही लिक्विड को क्या किया हम, इस ये जो अवतल दर्पण है इस पर इस तरह से डाल दिए, और इस तरह से डालने के बाद इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई आर डैश, जिसको कहते हैं आभासी वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? आभासी वक्रता त्रिज्या। आभासी वक्रता त्रिज्या मतलब कि प्लेन जो जब खाली था, केवल ये आपका जो मिरर है कॉनकेव, ये जब प्लेन में था ऐसे था, न्यूट्रल था, तो उस स्थिति में इसकी वक्रता त्रिज्या आर थी, लेकिन जब आपके पास लिक्विड था वो लिक्विड इस पर डाल दिए तो उसकी वक्रता त्रिज्या हो गई आर डैश। आर डैश तब इस लिक्विड का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, मतलब म्यू एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक बराबर हो जाता है आर बटे आर डैश। बराबर क्या हो जाता है? आर बटे आर डैश, वास्तविक वक्रता त्रिज्या बटे आवासी वक्रता त्रिज्या। इस लिक्विड का, जो लिक्विड हम लोग डाले हुए हैं दर्पण पर, उस लिक्विड का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक आर बटे आर डैश, वास्तविक वक्रता त्रिज्या बटे आवासी वक्रता त्रिज्या होता है। तो यह भी अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला है। इसके बाद भी अपवर्तनांक का और भी फॉर्मूला है, तो ध्यान दीजिए। लेकिन ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, इससे आगे का टॉपिक हम अगले क्लास में लेकर के आएंगे, और अपवर्तनांक पर आपको अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, और एक दो फॉर्मूला और भी है अपवर्तनांक से रिलेटेड, वो आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।